वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम अपनी टेबल को डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपनी टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन करेंगे और उसको हम अपने फॉर्म में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम अपने एम एस एक्सिस के इंटरफेस पर हैं और हमें क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्रिएट टैब पे जाना है और उसमें हम जाके पहले क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैं एक क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करेंगे होगी एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय आई डी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम रख देता हूँ यहाँ पर, देन में रख देता हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। उसके बाद में करता हूँ एम्प्लॉय एड्रेस। देन में एक यहाँ पे एक फील्ड डिफाइन कर रहा हूँ एम्प्लॉय में यहाँ पर कर रहा हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, देन एम्प्लॉय फोन नंबर। ठीक है, देन यहाँ पर मैं एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी हम क्या करेंगे, नंबर नंबर में जाएगी, एम्प्लॉय फोन नंबर, ये भी हम डेटा टाइप चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर में होगा, एम्प्लॉय एड्रेस टेक्स्ट होगा और डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट में होगा, नेम भी। तो जैसे कि हमारी टेबल यहाँ पर बन चुकी है, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं अपनी प्राइमरी की कन्वर्ट कर चुकी है और मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, सेव। टेबल का नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉय। जैसे मैंने इसको एम्प्लॉय किया और मैं क्या होऊंगा, आगे मूव हो जाऊंगा, क्लिक करूंगा और हमारी टेबल क्या होगा, बन गई है। हम इसको आगे व्यू करेंगे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आईडी अप्लाई करनी है। लाइक हमारी आईडी 1 होगी, एम्प्लॉय नेम क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकता हूँ मैं खालिद, देन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दे रहा हूँ मैं आईटी, एम्प्लॉय एड्रेस दे रहा हूँ मैं कराची। ठीक है, देन मैं एम्प्लॉय फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 03 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एम्प्लॉय सैलरी 45,000। ठीक है, अब मैं सेकेंडरी कार्ड एड करता हूँ यहाँ पे, मैं एम्प्लॉय की आईडी दे रहा हूँ, सेकेंड नाम है वाजिद अली, देन इसका जो डिपार्टमेंट है वो है BBA, देन यहाँ पर ये हैदराबाद से हैदराबाद, और इसका जो सेल फोन है वो भी एक्सेप्ट्रा हम कुछ भी दे सकते हैं, और जो इसकी सैलरी है इसकी है 50,000। ठीक है, जैसे मैंने सैलरी पुट किया, मैं आता हूँ रिकॉर्ड थर्ड पे, मैंने यहाँ पे आईडी को 3 अप्लाई किया और मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ सज्जाद, जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, और ये है हमारे पास कश्मीर से, और इनका जो सेल फोन नंबर है ये भी एक्सेप्ट हम कुछ भी दे देते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो है हमारे पास 60,000। ठीक है, मैं कहता हूँ अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टेबल डिज़ाइन की, उसमें कुछ डेटा इम्प्लीमेंट किया। अब मैं क्या जाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करने हैं। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से अपनी टेबल को कट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल और क्या क्या, मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा फॉर्म की तरफ। जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इंशाल्लाह दिन मिनट हमारे पास एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमने ऐड किया था यहाँ पर हमारा आ चुका है, और एम्प्लॉय नेम हमारे पास खालिद है, डिपार्टमेंट हमारे पास आईटी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही अगर यहाँ पर आप नीचे मूव कर रहे हैं अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स को मैं आगे भी कर सकता हूँ, रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 आप देख सकते हैं हमने वाजिद ऐड किया था, रिकॉर्ड 3 और हमें रिकॉर्ड 4 अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरफेस खुला है। जैसे ही मैंने फॉर्म क्लिक किया था तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर व्यू
फार्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। फार्म व्यू हमने बाय डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेआउट भी अगर मैं करूँगा तो हम यहाँ पहले हमारी लेआउट आ जाएगी शीट प्रॉपर्टी के साथ। और अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन व्यू में ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनका साइज डिक्रीज कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव बाद में करेंगे। और मैं इसको जाके क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाके इसको मैं कहूँगा व्यू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने इसको रिसाइज किया और ये हमारा एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ फॉर्म्स में, जैसे मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर्टी ला सकते हैं, ठीक है। हम वापस उसी रिसाइज फॉर्म में आ गए। और बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिकार्ड के थ्रू हम यहाँ पे रिकार्ड को देख सकते हैं। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे हमारा रिकार्ड क्या था, थर्ड क्या था और फोर्थ पे हमारा MPT है। अगर मुझे इसमें कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे कुछ इसमें, और इंशाल्लाह जैसे हमने सिंपल फॉर्म सीखा और यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ खालिद के नाम से। आप ये देखें जैसे मैंने खालिद के यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्ड था वो सर्च होकर आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाजिद, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाजिद का रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स ये क्या है, एक बेसिक फॉर्म है जो हम जनरेट करते हैं अपने टेबल के थ्रू अपने MS Excel में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम अपना खुद का फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसमें बटन्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।